हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं क्या है खास आज बाजारों के लिए। कमजोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ग्लोबल ग्रोथ में स्लोडाउन के डर ने कल यूएस मार्केट का मूड बिगाड़ दिया। तीनों ही मेजर इंडाइसेस 2.5 से 4% की कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। टेक स्टॉक ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया था। मोनिटिक्स की बात करेंगे तो यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, एशिया की शुरुआत कमजोर हुई है, वहीं एसजीएक्स निफ्टी भी एक गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहे हैं। वहीं कल मजबूत संकेतों के चलते हुए बाजार में अच्छी रैली देखने को मिली। निफ्टी करीब 1.5% ऊपर बंद। आज के स्टॉक्स इन फोकस हैं शैफलर इंडिया, प्रॉफिट में 48% का उछाल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं रेवेन्यू में भी 19% की ग्रोथ देखने को मिली है वाईओवाई बेसिस पर भी। बजाज फाइनेंस 80% की ग्रोथ दिखी है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं Q4 में नेट इंटरेस्ट इनकम 30% से बढ़ती हुई नजर आई है। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।